हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी फ़ोन है तो रेडमी फ़ोन की सेटिंग्स पे आकर जो हमारे फ़ोन में रिंगटोन है तो रिंगटोन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में स्क्रीन से शो हो रहे हैं। तो इसमें से आपको स्वाइप करके ऑल आइकन्स को ओपन कर लेना है। देखते हैं ओपन हो चुके हैं। तो इसमें से आपको क्लिक कर देना है सेटिंग्स आइकन पर। तो क्लिक करते जो हमारी फ़ोन की सेटिंग्स है इस प्रकार से ओपन हो गई है। तो जो हमारे फ़ोन ऑप्शन आ रहा है कि अपने फ़ोन में हम रिंगटोन को कैसे सेट कर सकते हैं, तो हमें रिंगटोन ऑप्शन जो साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर देना है। ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते जो हमारी फ़ोन की साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग से ओपन हो गई है। फिर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन है कि अपने फ़ोन में हम रिंगटोन को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आपको रिंगटोन पर क्लिक करना है। फिर आपको ऑल रिंगटोन्स पर क्लिक कर देना है। तो हमारे फ़ोन की जो ऑल रिंगटोन्स है इसमें शो हो जाएंगी। तो इसमें से आप किसी भी रिंगटोन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारे पास कुछ रिंगटोन्स आ रही है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और बैक करते हैं। बैक करते जो हमारे फ़ोन में रिंगटोन है चेंज हो जाएगी, इसके चेंज हो चुकी है। जैसे हमारे फ़ोन में कोई भी कॉल वगैरह आती है तो जो रिंगटोन है हमारे फ़ोन में शो करेगी। तो इसमें हमारे फ़ोन की सेटिंग्स पर आकर रिंगटोन को हम चेंज कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।